हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दिल्ली टू कटरा मोस्ट लग्जूरियस वॉल्वो 9600 स्लीपर बस। दिल्ली से कटरा इन लग्जूरियस वॉल्वो स्लीपर बस, दिस विल बी अमेजिंग एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 15 फरवरी, शाम के बज रहे हैं, इट इज 6 o'clock। और करंट लोकेशन अगर आप देखोगे, दिस इज ISBT कश्मीरी गेट का, मेट्रो का गेट नंबर 4। आप पीछे भारत पेट्रोल पंप देख सकते हो। और आपके लिए ऑन दिस टूर और ऑन दिस फैंटास्टिक फरवरी एक और बस जर्नी, और मैं चला आज दिल्ली से कटरा यानी कि वैष्णो देवी की। आपको ये ट्रिप करानी है, तो अगर आप वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान कर रहे हो फैमिली के संग, आप बस से जा सकते हो या आप जा सकते हो वंदे भारत से। वंदे भारत का व्लॉग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिखाया है, तो आज सोचा चलिए आपको एक और लग्जरी बस की ट्रिप करवाते हैं। दैट इज ऑल्सो वॉल्वो 9600 फ्रॉम दिल्ली टू कटरा वैष्णो देवी। शुरू करें। देखिए आपको स्टाइल बताते हैं, कमॉन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, बैक टू बैक सफरनामा चल रहा है और आपके लिए बैक टू बैक व्लॉग्स। तो करंटली यहाँ इंतजार हो रहा है, जो बस है वो है 6:30 की। तो अगर आप देखोगे ये लोकेशन बताई गई है, बस को बस का अराइवल होने दीजिए। इंटीरियर अगर आपको दिखाएंगे, सब डिटेल में बात करेंगे। एक बार जोर से बोल तो दीजिए, बोलो अम्बे मात की जय। और आपके सामने हमारी बस का आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अराइवल होता हुआ वॉल्वो 9600। आपको पहले बता दूँ थोड़ा केयरफुल रहेंगे, बिकॉज पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूँ, इस समय सबसे मोस्ट लग्जरियस बस इंडिया में अगर आपको मिलेगी तो वो है ये, दैट इज़ वॉल्वो 9600। आप देखिएगा पूरा इंटीरियर अगर आपको दिखाएंगे सब कुछ, सबसे अच्छी बात है मल्टी एक्सेस आपको मिलेगा, रेयर इंजन, बिल्कुल बस अभी आई है, चिंता मत कीजिए। अंदर आपको अगर फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस फाइनली दिल्ली टू कटरा के लिए अगर आप वैष्णो देवी के लिए प्लान कर रहे हो, द मोस्ट लग्जरियस बस आपको मिलेगी इस रूट पर। ऑफिशियल डिपार्चर टाइम है 6:30 का, शार्प 6 बजे सोचिए हमारी बस यहाँ पर आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इसमें इतना क्या स्पेशल है, आपको बता दूँ दिस इज 9600 जो मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, सबसे लग्जरियस बस आपको ये मिलेगी। बिकॉज इतना लंबा सफ़र है दिल्ली टू वैष्णो देवी का, आप मान लीजिए डिस्टेंस 670 किलोमीटर जर्नी हम कवर करेंगे 12 से 13 घंटे में। ये जाएगी वाया NH44, पूरा रूट भी आपको दिखाया जाएगा, कॉस्टिंग आपको दिखाई जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप पीछे देख सकते हो दैट इज मेट्रो। तो यहाँ पर आप देखोगे लक्ष्मी हॉलीडेज के संग आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस पूरा व्लॉग आपके सामने। और जैसा आपको बताया है बस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जितनी बस जर्नीज देखना चाहें देखिए। और सच में एक है वॉल्वो B13R और एक है 9600। भाई साहब इसका किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं। पैसा शायद थोड़ा ज़्यादा जाए, बट जो आपको कंफर्ट मिलेगा, जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, उसका तो खैर मज़ा ही अलग है। इससे पहले पैसेंजर्स बोर्ड करें, आप देख लीजिएगा वॉल्वो 9600 और आपको मिलेगी BS6 टेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादा कंफर्ट। सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखा देंगे। देखिए पानी की बॉटल आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी, पाजी हमारे संग यहाँ पर मौजूद हैं। केबिन राइड आपको बाद में दिखाएंगे वॉल्वो की, सबसे पहले आप देख लीजिएगा पूरा यहाँ पर आपके लिए अमेजिंग भैया अमेजिंग पूरा आपका इंटीरियर टूर। अरे वाह वाह, देखो अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के संग ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये हो गया पूरा यहाँ पर, ये पिलो हो गई, ब्लैंकेट भी आपको दिया गया है रखने, लगेज रखने के लिए यहाँ पर सब कुछ, वाटर बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ हो गया। चार्जिंग पॉइंट आपको USB का आपके लिए हो गया। कर्टेंस आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास आपको प्रिवेसी मिलेगी अगर इनकेस अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो। देखो ये अपर आपको दिखा दूँ और एक ये आपको लोअर दिखा दूँ, ठीक है। चार्जेस का ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीट आप कौन सी ले रहे हो उसके हिसाब से अलग हो सकता है। ये आपका हो गया साइड अपर और ये हो गया साइड लोअर, देखोगे बस वही है। दो चीज़ मिसिंग जो बसेस में ज़्यादातर देखी जाती है, दैट इज़ वॉशरूम। अगर आप देखोगे वॉशरूम ऑन बोर्ड है नहीं, प्लस एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पर TV भी नहीं मिलेगा। ये देखो जो मैंने ली है, दैट इज़ S4, मेरे हिसाब से ये वाली सीट होनी चाहिए। यहाँ पर सीट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा आपको इंटीरियर दिखा दिया और सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे अच्छी बात है, सेफ्टी के हिसाब से आप देखोगे लास्ट में आपको वहाँ पर CCTV भी दिया गया, सबसे अच्छी बात यह मेरे हिसाब से यही है। भाई वॉल्वो 9600 आपको बताइए, अब तक मैं जितनी भी जर्नी की है सब आपको ऑलरेडी चैनल पर लाइव है, ये देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से SL5S ये होनी चाहिए। तो पूरा आप देख लीजिए ये इंटीरियर, आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइए। पैसेंजर कैपेसिटी मेरे हिसाब से वही होगा, 40-45 होनी चाहिए इसकी,
ये देखिए मजा आ गया। जर्नी की बस थोड़ी देर में शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले हमारे संग ड्राइवर कम कंडक्टर दादा मौजूद है। बराबर बाजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ से दिल्ली से कटरा तक का जो पैसेंजर ट्रेवल प्लान बना रहे हैं उनके लिए रूट क्या है, जरा रूट बता दीजिए। पानीपत है, हाँ, यहाँ से दिल्ली से पहले अम्बाला, अम्बाला, हाँ, फिर दूसरा चंडीगढ़, हाँ, तीसरा जलंधर, जलंधर, फिर हाँ आगे जम्मू और कटरा, जम्मू और कटरा। तो ये बताइएगा ये जर्नी लगभग कितने टाइम की होने वाली, कितने घंटे की जर्नी? 12 घंटे की। 12 घंटे की। और अंदर जो वॉल्वो में पैसेंजर कैपेसिटी है अंदाजा कितने पैसेंजर्स? 42 की कैपेसिटी है। हाँ थोड़ा मुस्कुराओ, घबराओ मत, इनको बोला ना थोड़ा कैमरे पे बोलना है तो थोड़ा सा घबरा गया, कोई बात नहीं। तो आप भी ड्राइव करने वाले हो ना, इनकी भी ड्राइविंग आपको आगे दिखाएंगे। जर्नी की शुरुआत होने दीजिए, बाकी सब डिटेल्स आपके सामने शेयर की जाएंगी। एक बार हो जाए, बोलो अम्बे मात की जय। हाँ मुस्कुराओ भाई। अमेजिंग अमेजिंग। अरे वाह क्या स्मूथ है भैया। जर्नी हमारी चल रही है और देखिए नेशनल हाईवे पर वॉल्वो क्या कंफर्ट है, आपको यहाँ बता दूं स्मूथ है। पहुंचे हैं सोनीपत टोल प्लाजा, अगर आप देखोगे अभी फिलहाल हम वो क्रॉस कर रहे हैं। सबसे सरप्राइजिंग अब तक जितनी बस जर्नीस की सब में छोटी बॉटल दी जाती थी, बट ये पहली बस है जिसमें पूरी 1 लीटर की बॉटल दी गई है। यहाँ पर बजट अच्छा है। सोनीपत टोल प्लाजा हम क्रॉस करते हैं। नॉर्मली इस बस का रूट अलग रहता है, बट बिकॉज आपको बताइए फिलहाल प्रोटेस्ट ऑन है, मतलब वो सब कुछ रोड्स बंद है, तो उसकी वजह से शायद हमको अलग रूट से ले जाए, मतलब हम अलग रूट से जा रहे हैं। फिलहाल बस भी, मतलब फिलहाल हार्डली मैं कहूँगा बस में कुछ ही पैसेंजर है। लेट्स सी अब पैसेंजर्स कहाँ से आगे बोर्ड करेंगे। बट आप देखिए कर्टेंस लगा लीजिए और यहाँ पर भी आपको दिखा दूँगी, देखो फर्स्ट क्लास जो सुकून वॉल्वो मिलता है ना, वेरी नाइस भैया, वेरी नाइस। कॉस्टिंग वगैरह वो मैं सब मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आपका बजट अच्छा है वॉल्वो 9600 ही लीजिएगा और स्लीपर लीजिएगा ताकि पूरी रात आपको बैठ के ना जाना पड़े। ये देखो बाहर के आप नज़ारे यहाँ पर एंजॉय कीजिए और एकदम कंफर्ट मक्खन की तरह वॉल्वो। अब देखते हैं आगे कहाँ स्टॉप आएगा, आगे कहाँ मिलेंगे। अरे वाह, लगभग 135 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं करनाल। और आपको बता दूं करंट वक्त हुआ है कुछ 9:15 आप मान लीजिए। ऑफिशियल टाइम जो ब्रेक का था वो था 10:30, आप वहां पर हमारी बस देख सकते हो, बट बिकॉज ऑफ क्या है प्रोटेस्ट डाइवर्जन लिया गया तो बस थोड़ी सी डिले चल रही है, तो इसकी वजह से ड्राइवर दादा ने पहले ही ब्रेक ले लिया है। और ब्रेक आप देखो भाई साहब, सच में जितनी बस जर्नीज की ना अब तक का सबसे बेस्ट स्टॉप। अंदर रेस्टोरेंट अगर आप बैठ के खाना चाहें, प्लस यहाँ पर बाहर चाट वगैरह का सब कुछ ऑप्शन है। मैंने ऑर्डर की है आलू टिक्की। और वॉशरूम, आप वॉशरूम देखिए, ऐसा लगता है मतलब मॉल से भी बेटर वॉशरूम आपको यहाँ मिलेगा। आधे घंटे का ब्रेक दिया गया, जैसा आपको बताया जब भी आप जर्नी कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन रूट वगैरह चेंज हो सकता है। बस आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको बता दूं जो साइड लोअर का मैंने पे किया है दैट इज अराउंड 1700 रुपये मैंने पे किए हैं। और फिर आपसे कहूँगा अगर बजट है तो यही बस लीजिएगा, बिकॉज आपको जो वॉल्वो 9600 में कंफर्ट मिलेगा ना भाई साहब, इसका कोई जोड़ नहीं। और जब भी आप सीट बुकिंग कर रहे हो प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, साइड वाली मतलब डबल वाली लोगे तो प्राइस चेंज हो सकता है, सब कुछ है। थोड़ी सी मैं कहूँगा हल्की सी ठंड, और अभी भी हम NH 44 पर, बस थोड़ा सा डिनर कर लें, करीब 9:45 हो रहे हैं, हल्का सा खा लें। पर यार ये जगह देखो, मतलब सच में, और वॉशरूम देखकर तो दिल खुश हो गया। बहुत ही कमाल का वीडियो था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कि इसमें कई बात होती है, पहली बात तो यह है कि हाईवेज बढ़िया हो गए हैं, उसके बाद लग्जरी बसेज आ गई हैं, लग्जरी बस आ गई हैं। आप कभी सोच सकता कोई इंसान कि आप लेट के आराम से जा सकते हैं एक बस में,
मतलब हमारे ज़माने में तो ये बहुत ही दूर की बात थी कि कोई ऐसी बस भी आएगी जिसमें आप लेट के जा सकते हैं, और ज़बरदस्त हाईवे होगा, खुला हाईवे, बीच बीच में रुकेंगे, और फाइव स्टार काइंड ऑफ जो स्टॉप्स हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे करनाल का दिखाया था, वहाँ पे जाके आराम से आप रेस्टरूम यूज़ कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और शांति से जाएंगे, मज़े से जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, और आपकी जर्नी भी होगी, बाहर भी देखने को मिलेगा। अब मुझे ये पता करना है कि क्या कोई ऐसी जर्नी है जो सुबह के समय भी जाती हो, कि आप सुबह जाएं और वहाँ पे रात को पहुँचे, क्योंकि सुबह जा रहे हैं तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप रात में जाते हैं देन आप सोते हुए जाते हैं, दैट्स फाइन, स्लीपर है, सोते हुए जा रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा अगर दिन की भी होती है तो भी लोग चले जाएंगे आराम से स्लीपर में, मस्ती से बैठ कर, कि आपको लेटे हुए जाना है पूरे रास्ते दिन के समय। एक सिर्फ मैं एनहांसमेंट ये बोलूँगा, अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कि रेस्टरूम जो है बस के अंदर होना चाहिए, चाहे आप दो तीन सीटें कम कर दीजिए, एक छोटा रेस्टरूम वहीं कर दीजिए। उससे ये होता है कि अगर किसी को जाना पड़ जाए तो बेचारा टेंशन में नहीं बैठेगा, वो सीधा वहीं यूज़ कर लेगा, उससे उसके माइंड से टेंशन चली जाती है। अदरवाइज़ उसे वेट करना पड़ेगा कि जब आप रोकते हैं हर एक दो घंटे में तभी यूज़ कर सके। तो एक ये मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए इम्प्रूवमेंट है, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। और आप बताइए कि आप ट्रैवल करेंगे। एक और बात थी, ज़्यादा लोग नहीं थे तो मुझे समझ नहीं आया ज़्यादा लोग क्यों नहीं थे, इसमें तो बहुत सारे लोगों को आना चाहिए। अगर ज़्यादा डिमांड नहीं होती तो बेचारों की सर्विस जो है ठप भी पड़ सकती है। तो आई होप कि लोग आएँ और इस फैसिलिटी को यूज़ करें, वेरी नाइस। आप बताइए आपका क्या थॉट्स इसके बारे में। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।